फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत में मंज़र इस तरह का होगा कि नबी पाक हमारे आगे आगे चलेंगे और हमें अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाते जाएंगे, और जब हुजूर ये खुशखबरियाँ सुनाएंगे तो हुजूर के लबहाए मुबारका से फूल गिरेंगे और हम उनको उठाते जाएंगे। फरमाते हैं ख़ुद तो वो थोड़ी देर के लिए रोएंगे अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, खुद रोएंगे लेकिन हमें हंसा देंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। और बाग़े जन्नत में मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाग़े जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, और मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। और क्या ज़ौक बयान किया, फरमाने लगे खाक हो जाएं अदुव जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। जब तक सांसों की डोरी चल रही है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की दलील आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को सिरापा दलील बना के भेजा। बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पास भी अपनी नबुव्वत के दलाइल के तौर पर बेशुमार मोजज़ात थे, और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के तो पूरे वजूद को ही अल्लाह ने मोजज़ा बनाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलीलें, हुजूर के रिसालत के मुस्तहकम दलाइल जगह जगह आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया वो हुजूर का किरदार है, सीरत है, अमल है, हुजूर का लोगों के साथ रवैया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबलीग के तीन दौर हैं। एक तो हुजूर ने अपने कौल से तबलीग फरमाई है, 40 साल की उम्र से महबूब ने ऐलान फरमाया और तबलीग की। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलवास्ता हुजूर की तबलीग है जो आज तक जारी है। उम्मत के उलमा मशाइख मुबल्लिगीन हुजूर के दीन को आगे फैला रहे हैं, तो दरअसल ये भी तबलीग रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही की तबलीग। और एक हुजूर की तबलीग का दौर है हुजूर की पैदाइश से लेकर विलादत मुबारक से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत तक। इस दौरान नबी पाक ने जो तबलीग फरमाई है वो अपने किरदार से फरमाई। अरब का वो मुआशरा जो बड़ा मैला कुचैला गदला हो चुका था, जिसके अंदर सरासर मादा परस्ती का जोर था, जिसके अंदर लोग इंसानों की खरीदो फरोख्त करते थे, जिसके अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिसके अंदर जो आदमी जितना ज़्यादा मजबूत होता था उतना ज़्यादा लुटेरा बन जाता था, उस मुआशरे के अंदर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल गुजारे। और इस तरह गुजारे कि जो बेगाने भी थे वो भी कहा करते थे ये सादिक हैं, ये अमीन हैं। और जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो फरमाया, ये कुरान मजीद के लफ्ज़ हैं, फरमाया फ़कद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही अफला ताकिलून, मैं तुम्हारे बीच उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूं, तुम्हें अकल नहीं है, शऊर नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को, अपने अमल को अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया। वो तो हज़रत हलीमा भी फरमाती हैं ना, जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई तो मेरा अपना बच्चा भी दूध पीता था, दो मेरे बेटे हो गए, एक मेरी ये नस्बी औलाद और हुजूर मेरी रज़ाई औलाद। तो कहती हैं जब मैं करीम महबूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाती थी तो हुजूर मेरे एक पिस्तान से दूध पीते थे और दूसरा अपने भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। यहाँ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किरदार के ज़रिए तबलीग, और फिर ऐलान नबुव्वत से पहले एक तंजीम अरब के जवानों पर, अरब के सरदारों पर मुश्तमिल बनाई गई, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा लिया सरकार ने, और
बड़े अहम लोगों को शऊर हुजूर ने अता फरमाए। वो उस जमात का फ़ैसला था कि हम सारे जवान सारे बड़े लोग मिलेंगे। ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है। हम बड़े लोग मिलेंगे, किसी बड़े को किसी छोटे पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी आदमी को किसी गरीब का हक नहीं खाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपने किरदार से अपने अमल से, और आपका जो अमल होता है ना वो असल होता है। एक होता है आप कोई बात करते हैं और एक होता है कि आप कोई अमल करते हैं। आप जब अमल करते हैं तो अमल के ज़रिए भी लोगों तक बात पहुंचती है कि दरअसल आपका उठना बैठना चलना फिरना क्या है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उठना भी एक नबी का, बैठना भी एक नबी का, बात करना भी एक नबी का, मामलात ज़िंदगी करना भी एक नबी का, लेन देन करना भी एक नबी का। एक शख्स कहते हैं मैंने ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ चीज़ ख़रीदी थी और मैंने अर्ज़ किया था आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं 3 दिन के बाद आया। देखो ये बात करनी कितनी आसान है, बोलनी कितनी आसान है, पर 3 दिन यहाँ मेरे भाई को किसी शख्स को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ जाए तो लोग कहते हैं अल इंतज़ार व शद्दु मिनल कत्ल। ये तो कत्ल से ज़्यादा तकलीफ़ वाला मामला है मुंतज़िर रहना किसी का। कहते 3 दिन के बाद मैं आया तो मेरे रसूल करीम वहीं तशरीफ़ फरमाया। बस इतना फरमाया यार तुमने मुझे बड़ी तकलीफ़ में डाल दिया, 3 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। तो हुजूर ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने मामलात को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर पेश किया। किसी ने क्या खूब कहा था कि जो तेरी जान के दुश्मन हैं वो भी कहते हैं, वो जो तेरी जान के दुश्मन है, बज़ाहर तो आए हैं ना हिजरत की रात जान लेने, लेकिन अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई हैं, अमानतें काशाना नूर पे पड़ी हैं। वो जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं कि अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है, अमीन भी तू है सदाकत की आबरू तू है। तो पहले किरदार, फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना मुतलक नायब बनाकर, अपना महबूब आज़म बनाकर, वैसे ही सारे इंसानों के बारे में कहा वाइज़ काल रब्बू कलिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो महबूब है ना, हुजूर की नियाबत तो महबूबियत के दर्जे पर फायज़ है। तो रसूल पाक को रब करीम ने इस तरह का बना के भेजा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर हुजूर कोई मौजज़ा न भी दिखाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई एजाज लोग न भी देखते, तो महबूब का तो चेहरा ही इस तरह का था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। लेकिन बावजूद इसके मेरे रसूल पाक का एजाज ये है, कमाल ये है कि हुजूर कभी इशारा कर दें तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, कभी दुआ मांग दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, कभी महबूब गुजरने लगें तो पत्थर आप पर सलाम पड़े, कभी हुजूर पहाड़ पर चढ़ जाएं तो पहाड़ वज्द में आकर झूमने लगें, महबूब का कभी नमाज पढ़ाते इरादा बन जाए तो अल्लाह ताला किबले का रुख ही तब्दील फरमा दे। क्या खूबसूरत सोच है और क्या नज़रिया देते हैं बरेली के इमाम। फरमाते इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। देखो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मकाम पे फरमाते हैं नाइबे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम, नाइबे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को जो एजाज। फिर एक और बात, हुजूर उम्मी है, दुनिया में आकर महबूब ने किसी से पढ़ा ही नहीं, मेरे महबूब ने जितना पढ़ा है रब करीम से ही पढ़ा है। अर्रहमान वल्लमल कुरान खलक अल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम से हुजूर ने लिया, रसूल करीम उम्मी हैं, ये भी हुजूर की नबुव्वत पर एक बड़ी दलील। देखो एक होता है कोई आदमी बचपन से ही किसी चीज़ से शगफ रखे और जब उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो कहते हैं अब इसका तजर्बा बड़ा हो गया है,
ये पहले कुछ शेर कहता था, कोई अदबी जुमला कहता था, तो अब इसकी ये काम करते करते उम्र बड़ी हो गई है तो रसूख हासिल हो गया। 40 साल की उम्र मुबारक तक नबी करीम ने एक शेर भी नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी कोई ऐसी बात, वैसे तो हुजूर की हर बात हिकमत वाली, लेकिन जिसको अरब के लोग अपने लहजे में शायरी या अपने लहजे में अदब कहते थे, वो हुजूर ने बयान नहीं फरमाया। लेकिन जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबुवत किया तो फिर बड़े बड़े फसीह बलीग, बड़े बड़े सियाने। तो तुफैल बिन अमर कहते हैं कि उस शख्स को भी मैंने देखा जिसे बड़ा नाज था अपनी फसाहत और बलागत पर, और जब वो हुजूर के पास आया और उसने आके कुछ बातें की तो महबूब खामोशी से सुनते रहे, और जब वो चुप कर गया तो मेरे करीम ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी। कभी उठता था, कभी बैठता था, कभी गौर करता था, कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, फिर कहने लगा बताओ ना कलाम किसका है। फरमाया उस रब का, उस रब का, उस रब का जिसका मैं रसूल बन के आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने कायनात के राजों से पर्दे हटा दिए। नबी करीम ने जीने के सलीके बता दिए। हुजूर ने हर शख्स को उसके मकसद हयात से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो फलसफा हयात बयान किया कि लोगों को सिर्फ जीने में ही मज़ा नहीं आया, मरने में भी मज़ा आने लगा। लोग आगे बढ़ बढ़ के जाने पेश करने लगे, अपनी औलादें कुर्बान कर, जो फलसफियों से खुल ना सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। महबूबे करीम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने इस तरह दुनिया को सिखाया, इस तरह दुनिया को पढ़ाया, इस तरह हुजूर ने इल्म के चिराग और दीप रोशन किए कि कयामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिलेगी, उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दर दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अपने पास से आयात बना के लाते हैं, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते हैं। बल्कि वो हमारे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे, ख्याली पुलाव पकाइए तो घ्यो कदे भी काट ना पाइए, क्योंकि कौन सा पैसों का डालना है, ज़्यादा डालें आप और ज़्यादा डालें। बहुत सारे लोग हैं आज भी, कुछ लिबरल हैं बेचारे, कुछ दीन बेजार तबका है, वो कहते हैं जनाब हमें तो जदीद बातें बताएं, हमें तो नए उसलूब के मुताबिक लेके चले, हमें तो। ओ भाई सुन, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा। इसे पढ़ के देख, इसकी जिद्दत का हुस्न देख, ये तो खिला हुआ बाग है। तो एक दफ़ा इसके करीब आएगा तो खुशबू मिलेगी, दूसरी दफ़ा आएगा तो उससे ज़्यादा ताज़ी मिलेगी। एक दफ़ा फल खाएगा तो मज़ेदार होगा, और दूसरा खाएगा हो सकता है शक्ल मिलती जुलती हो लेकिन जायका बड़ा निराला होगा। तो आ तो सही ना, जब कुछ लोगों ने कहा ये खुद से बना के आयात लाते हैं, तो फरमाया वा इनकुन तुम फी रही बिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर तुम्हें कोई शक है इसमें जो हमने अपने बंदाए खास में नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक आयत बना के लाओ। और चलो चैलेंज खुला ही दे दिया, फरमा वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो। तफसीरी तर्जमा अर्ज कर रहा हूं, यानी सहाबा को छोड़ दो, हुजूर के मानने वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ, एक आयत बस कुरान जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवानों सुनो, कहा एक आयत, और ये चैलेंज आज तक कुरान मजीद का मौजूद है आज तक। व इन कुन तुम फी रही बिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तुम कुरान के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ, और सारे हिमायती इकट्ठे कर लो अपने। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवाब तो उधर से आना था ना, लेकिन कायनात के रब ने जवाब भी खुद दिया, फरमाया फ इल्लम तफालू वलन तफालू, अगर तुम ना ला सके, और फरमाया तुम ला सकते भी नहीं। अगर तुम ना ला सके और तुम ला सकते भी, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वलन तफालू, तुम ला भी नहीं सकते। फत्तकुन्नार अल्लती वकूदुन्नास वल हिजारा,
फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उद्दत लिल काफिरीन, बनाई काफिरों के लिए, बनाई मोमिनों के लिए तो रब ने जन्नत बनाई है। उद्दत लिल काफिरीन, ये दोजख अल्लाह ने किन के लिए बनाई है? उद्दत लिल काफिरीन कहते हैं काफिर के लिए बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो किताब अता फरमाई, और फिर हुजूर की फसाहत तो बलागत मारिफत। देखो एक होता है घंटों बातें करना, एक होता है कई कई वालियम पर मुश्तमिल, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब का लिखना, और एक होता है किसी बंदे का एक बात करना और सामने वाले की तबीयत को इतना जगा देना कि अगली बात फौरन ही उसकी समझ में आ जाए। और हुजूर ना किसी की अना को नहीं जगाते थे। हम बाज़ोकात किसी से खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले की अना को जगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। वो कहता चल फिर तगड़ा हो जा, मैं भी आया। हुजूर अना नहीं जगाते थे, मेरे नबी पाक ज़मीर जगाते थे, ताकि वो शख्स फैज़ हासिल कर सके, उसे कुछ मिले। नबी करीम का जो अंदाज़े तकल्लुम है वो इस तरह का होता था कि इंसान खुद ब खुद खेल उठता था कि मतलब ये बात होने क्या लगी है, मतलब हुजूर क्या फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन महबूब करीम ने सहाबा के ये हुजूर की फसाहत व बलागत देखे, फरमाया महबूब ने कितना नादान है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली दे। खली हो गई लोगों की आंखें, कान खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह कौन ऐसा बदबख्त है जो माँ बाप को गाली देगा। अब जब सवालात ज़हनी सतह पर पूरी तौर पर उभर गए ना, तो अब रसूल करीम ने बात समझाई, ये है फसाहत व बलागत, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूलल्लाह कौन ऐसा नालायक है जो माँ बाप को गाली दे। अब जब ज़हनी सतह यहाँ तक उभर आई तो अब हुजूर ने समझाया, फरमाया जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे ना, तो वो भी तो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को देगा ना, तो फिर नफ्स ही ये तुमने खुद जुल्म किया है अपने माँ बाप पर। क्यों तुमने ऐसा लहजा इख्तियार किया कि जिससे सामने वाले की अना जाग जाए और वो तुम्हारे मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाए? क्यों तुमने इस तरह के अंदाज इख्तियार किए कि जिससे सामने वाला भी सारे पंजे खड़े करके बाहर निकल आए और कहे आ जाओ फिर मैं भी मैदान में हाजिर हूँ? रसूल करीम की फसाहत बलागत देखे ना, हुजूर दो चार जुमलों में सारी बात समझा जाते हैं। एक हदीस पाक अगर हमारी समझ में आ जाए, एक रवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लो इससे पूरी ज़िंदगी सजाई जा सकती है, एक जुमले से पूरी ज़िंदगी सवारी जा सकती है, कोई लंबी चौड़ी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं। कहा खूबसूरत मुसलमान ये है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, ला यानी बातों को। क्या कहते हैं हमारे देहात के लोग, जेड़े पिंड जाना नहीं उधर राह पूछने दी। लेकिन आजकल लोग बाज आंदे, यानी जिस बात का बिल्कुल ताल्लुक नहीं ना वो बात भी करते जाते हैं, जिसका शोभा ही नहीं वो भी छलांग लगा लगा के उसमें आ जाता है। हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी सलाहियतें ज़ाया करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, हम अपना काम सही करके नहीं करते और दूसरी सारी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। ओ भाई आप जिस जगह जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं आप अपने मामलात में मजबूती पैदा करें। हुजूर ने अपनी फसाहत के साथ बलागत के साथ लोगों को कायल किया, और कुरान मजीद की तासीर का ये असर मेरे करीम रसूल ने दिखाया कि रात को जब हुजूर बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे ना, जब यासीन वाले नबी खुद यासीन की तिलावत करें, जब ताहा वाले महबूब खुद ताहा की तिलावत करें, गौर करो ना जब मुदस्सर वाले महबूब खुद इन जुमलों को अदा करें, यानी जिनके बारे में आयत आई है जब वही ये आयत पढ़ें कि इन्ना आतैना कल कौसर, यानी जिनका जिक्र हो रहा है जब वो ये बात करें कि या अय्युहन नबीयु इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशिरम व नजीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, जिनके बारे में आयत आई है जब वो ये कह रहे हों कि व रफअना लका ज़िक्रक, जब वो कह रहे हों वद्दुहा,
वल्लैली इज़ा सजा, ज़रा उस कैफियत को देखें जब महबूब खुद पढ़ रहे हों और जो हुजूर पर आई हैं उसका जायका, उसका लुत्फ, उसका अंदाज, भला क्या होगा। हुजूर जब रात को पढ़ते थे ना कुरान पाक, तो जो पक्के काफर थे ना अबू जहल जैसे लोग, वो भी झाड़ियों में छुप छुप के मदीने वाले की तिलावत सुना करते थे, हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज है। हज़रत फारूक आज़म कहते हैं मैं तबीयत का बड़ा डाडा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, जिंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था, पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना तो मैं तड़प ही गया, करों आया सा मार मुकामने नू, हुन मैनू मार दे लै चलो, ओए मते उम्र दी उम्र बर्बाद हो जाए जिथे उम्र सवार दे लै चलो। ये एजाज है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी, हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, एक गांव पर। हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तय्यबा तशरीफ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में माज़ल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुंच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुजज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा ज़मीन में धस्ता चला गया। मैंने माफ़ी मांगी, हुजूर ने माफ़ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है, ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजर व हजर पहचान गए, इंसान की नज़रों में शाखी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना, तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना, तो फिर ज़मीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे, फिर माफ़ी मांगी। करीम तेरे माफ़ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफ़ी मांगता है, जा मैंने माफ़ किया। कहते हैं तीन दफ़ा मैं आगे बढ़ा, तीन दफ़ा हुजूर ने माफ़ किया, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू यहाँ मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो कैसरे रूम का इलाका फतह होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे, अल्लाह करे आप समझें। ये जो लोग डरी डरी सहमी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज अल्लाह बातें करते हैं, वो देखें हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसरे रूम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, ज़िंदगी का पता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता, जब तक कंगन नहीं आते इज़राइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साढ़े नबी की ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही, और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाजल बरेलवी का तो अंदाज ही फिर अनोखा है ना, वो तो कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हजरत इज़राइल, फिक्र ना करो, बूढ़े हो गए थे, निकलना घर से बंद कर दिया था, हज़रत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हज़रत फारूक आज़म ने उनके पोतों से नवासों से बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ, का दादा जान बूढ़े हैं। फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हज़रत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज़्ज़तें देने आए, इज्जत है। ये मिजाज हमें कम करना चाहिए, ये जो हम सारी ज़िंदगी
इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज हुजूर ने नहीं हमें दिया। अब देखो हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं, हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं, हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी किस तरह का था, महबूब तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अजमत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, फारूक आजम का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजात क्या है, अहले बैत नबूवत की अजमत क्या है। हुजूर आए इज्जतें देने, माँ को इज्जत दी मदीने वाले रसूल ने, कहा जिसका बाप राजी हो गया उसका रब राजी हो गया। फरमाया जो दो बेटियाँ तीन बेटियाँ चार बेटी बहने या एक बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी दो उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इज्जत दी, इज्जत दी। हुजूर इज्जतें देने कोई एजाज़ नहीं, अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज है? कुर्बान जाएं, मेरे करीम ने इज्जत दी। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है, ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्कतें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में यह इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज़ दिया, अजमतें दी, हुजूर इज्जतें देने आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाजात दिए, हुजूर ने नवाजा, ये सारी चीज़ें मेरे रसूल पाक की तशरीफ। और फिर ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबुव्वत की दलील है। इतनी जल्दी इनकलाब आया नहीं करते, वो कल तक जो राहजन थे हुजूर ने राहबर बना दिए। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तकलीफ़ पहुंचाते थे, बरादरी जम पे लड़ते थे, हुजूर ने भाई भाई बना दिए। एक प्लेट में खाना खाने लगे सैयदना बिलाल अबशी, सुहैब रूमी, सलमान फ़ारसी, हुजूर ने यूं करके मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकसीमें ख़त्म कर दी दुनिया में। हुजूर के सहाबा ने अपना किरदार इस तरह का दिखाया, इतना बुलंद किया, और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उसको देखकर इतनी बुलंदियों पे गए कि गवाहियां अल्लाह का कुरान देता है, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलम मिनल्लाहि वरिदवाना। पर मैं ये जो मेरे महबूब के साथ वाले हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं, तुम जब भी इन्हें देखोगे सजदे करते देखोगे, रुकू करते देखोगे, तुम इन्हें देखोगे अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी हैं। इन्हें सारी मादा परस्ती से निकाल कर महबूब ने रब की रज़ा के रास्ते पे डाल दिया। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल के तौर पर यह सारी चीज़ें आई। बस मैं बात समेटने लगा हूँ, हुजूर का जो इखलाक है ना, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की बहुत बड़ी दलील है। वइन्नका लाला खुलुकिन अजीम, महबूब हमने आपको ना खुल्क अजीम का मालिक बनाया है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ आपका बोलने का अंदाज़ ठीक हो तो आप बाइखलाक है, नहीं भाई, बोलने का अंदाज़ ठीक होना बाइखलाक नहीं, सच बोलना इखलाक की अलावत है। आपका हक बात करना अखलाक है, आपका सही गवाही देना अखलाक है, आपका अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आने पर सब्र का मुजाहरा करना ऊंचा अखलाक है। रब नेमत दे तो आपका वजूद ढलता जाए शुक्र में, ये अखलाक है। रब करीम अगर आपको किसी वक्त किसी आजमाइश में अपनी हिकमत से डालता है तो इज्जत नफ्स को बरकरार रखना, खुददारी को बरकरार रखना, ये अखलाक। नबी पाक ने आला तरीन अखलाक की बात बताई, आला तरीन। हुजूर ने लोगों से बैत लेते वक्त कहा था मेरे हाथ पर बैत करो, चोरी नहीं करोगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ उमूर पर बैत ली। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं
हुजूर ने मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा, मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत करो कि किसी दुनियादार से सवाल नहीं करोगे, खुददारी से ज़िंदगी गुजारोगे, इज्जत नफ्स जो रब ने तुम्हें दिया है तुम उस पर राजी रहोगे। लोगों की जेबों को टटोलना, दूसरों की दौलतों पर राज करना, दूसरों के माल पर निगाहें डालना अल्लाह के हबीब ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया बैत करो कि तुम कभी किसी से सवाल नहीं करोगे, हद हो गई। निभाने वालों ने फिर इस आहद को निभाया और कमाल कर दी। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम घोड़े पे बैठे थे, हाथ में दुर्रा था, वो ज़मीन पे गिर गया, करीब ग़ुलाम खड़ा था। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम खुद घोड़े से उतरे, दुर्रा उठाया, दोबारा घोड़े पे बैठे। ग़ुलाम अर्ज़ करने लगा, हुजूर मुझे बता देते मैं उठा कर दे देता। आँखें चमक उठी, फरमाने लगे कैसे बता देता, अपने रसूल से वादा किया है कभी किसी से सवाल नहीं करूँगा, कभी सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह के महबूब ने हमें आला अखलाकी कदरों की बात हमें सिखाई है। हम देखते हैं कि बड़ी जल्दी दो चार पांच लोगों के गुस्सा दिलाने पर हम सारी अखलाकी हदों को क्रॉस कर जाते हैं। दोस्तों हमारा एक विज़न होना चाहिए, हमारे ज़ाती रवैये बड़े मोतबर होने चाहिए, लेन देन के मामलात के अंदर मुसलमानों को बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमें अपनी मुआशी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में हमारी तवज्जुहात का मरकज़ सिर्फ़ अल्लाह रसूल की ज़ात होनी चाहिए। रब करीम ने अपनी हिकमत से किसी को कितना दिया है या उसकी हिकमत के तकाज़े हैं, हमें उसने जिस रंग में जिस हाल में रखा है हमें अपने रब की रज़ा पर बहुत ज़्यादा मुतमईन होना चाहिए। अच्छा फिर एक और बात, जिन चीज़ों को हमने दुख बनाया है ना, ये तो वहाँ दुख था ही नहीं। महीना महीना चूल्हा नहीं जला लेकिन किसी जगह इजहार गुरबत है हुजूर की औलाद पाक का या साहब का या अजवाज का। महीना महीना चूल्हा नहीं जला ये, लेकिन ये अखलाक आलिया का हुस्न देखो, अपने घर महीना महीना चूल्हा नहीं जला, जो मांगने आया उसे झोली भर के अता फरमाया, कोई दरवाजे से खाली नहीं गया। अजीज़ भाई अगर ज़िंदगी में अखलाकी कदरें हम अपना लें और हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को तब्दील करें, सारी ज़िंदगी तवज्जो रही कि फ़लाँ क्या कर रहा है फ़लाँ क्या कर रहा है, थोड़ा सा गर्दन को झुका के अपने ऊपर तवज्जो डालें, अपने आप को वक्त दें, हुजूर के अखलाक आलिया की रोशनी में, तालीमात हसना की रोशनी में हम अपने किरदार व अमल पर थोड़ी तवज्जो दें। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा है और ऐसा नहीं है कि दौलत नहीं है, दौलत से भी सरशार हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेक्चरार हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन किरदार अमल के बादशाह अपनी ज़िंदगी तखवे की रोशनी में गुजारने वाले उन लोगों की तादाद कम है। अगर कोई आज भी हर सारे काम नेक करे लेकिन जायदाद में से बेटी का हक रख जाए तो फिर उसने क्या मिलाद मनाया। अगर आज भी जो दो चार लोग बेचारे उसके ज़ेर दस्त हैं, मुलाजमीन हैं, उनके साथ उसका रवैया इंतहाई सख्त हो तो उसने क्या मिलाद मनाया। अगर आज भी वो बरादरीज़म की बुनियाद पर दोस्तियां करे और छोटे बड़े की वो तकसीम रखे जिसे हुजूर ने फरमाया कि कबीले तो तारुफ़ के लिए, वरना किसी अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। अगर कोई आज भी इस बरादरीज़म का कायल है फिर उसने क्या मिलाद मनाया। अगर कोई शख्स आज भी अपने आप को मादा परस्ती में पूरी तरह धकेल चुका है और रज़ा इलाही का मुसाफिर नहीं बना तो उसने क्या मिलाद मनाया। अपनी तबीयतों में रूहानी तब्दीली और वो ख़ास अफकार जो हुजूर अपने ग़ुलामों में पैदा फरमाते हैं, उन अफकार को पैदा करना, सोचों को बदलना, सोचों को नज़रियात को बदलना, अपने रोज़मर्रा के मामलात का जायज़ा लेना कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह हम एक बेहतरीन उम्मती और एक बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं, इस पर तवज्जो देना, ये मिलाद हमें सबक देता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।